आइए जानते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी किस तरह से भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नगर निगम या नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का नाम भरेंगे। उसके बाद नंबर एक में निर्वाचन कक्ष का नाम, जो निर्वाचन कक्ष होगा उसका नाम यहाँ पर, जहाँ पर आपका निर्वाचन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उसका नाम और उसका संख्या भरेंगे। मतदान की तारीख भरेंगे, जिस दिन मतदान हो रहा है। उसके बाद मतदान केंद्र या स्थल की संख्या, किस भवन में बनाया गया है, यहाँ पर सरकारी या अर्ध सरकारी भवन है, निजी भवन है या अस्थायी संरचना है, इस पर टिक कर देंगे। नंबर चार, स्थानीय रूप से भर्ती के क्या है मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई है तो, नहीं है तो नील लिख देंगे, NIL। नंबर पाँच, यदि सम्यक रूप से नियुक्त किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई है तो उसका उल्लेख करें और ऐसी नियुक्ति का कारण बताएं। अगर कोई मतदान अधिकारी P1, P2, P3 कोई एब्सेंट रहा है और उसकी जगह पर कोई एक मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई है तो उसका नाम यहाँ पर लिखें और कारण भी बताना पड़ेगा। नंबर छः, उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या, कितनी मतपेटी उपयोग में लाई गई है वो भरें। नंबर सात, उपयोग में लाई गई पत्रा मुद्राओं की संख्या और क्रमांक, जो ग्रीन पेपर सील होगी वो कितनी आपने यूज की वो यहाँ पर उनकी संख्या भरेंगे और जो यूज की उसकी क्रम संख्या भी भर देंगे। नंबर आठ, मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और उसमें देश से आने वालों की संख्या, आपने कितने एजेंट बनाए हैं उनकी संख्या यहाँ पर भर देंगे। अगर जो नहीं बनाए थे, जो बाद में आए थे देर से, उनकी भी संख्या भर देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको वो संख्या ज़रूर भरनी है जो आपने एजेंट बनाए हैं। नंबर नाइन, ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने उस मतदान केंद्र के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, उन उम्मीदवारों की संख्या आपको भरनी है जिन्होंने मतदान केंद्र के लिए जो एजेंट है वो नियुक्त किए हुए हैं। नंबर दस, मतदान के दौरान मतदान स्थल पर उम्मीदवार की ओर से उपस्थित अभिकर्ताओं का विवरण, जो आपने एजेंट बनाए हुए हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भी लिखनी है, किस उम्मीदवार का कौन सा एजेंट है, यहाँ पर उम्मीदवार का नाम 1, 2, 3, 4 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उस तरह से कॉलम बना लीजिए। उसके बाद आगे उपस्थित उम्मीदवार का नाम या उसके अभिकर्ता का नाम। अगला नंबर 11, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार जारी किए गए मतपत्रों की संख्या, ध्यान रखिएगा जो PO1 होता है, प्रथम मतदान अधिकारी जो होता है, उसने चिन्हित प्रति के अनुसार कितने मतपत्र जारी किए, जितने मतपत्र जारी कर दिए उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। वस्तुतः जारी किए गए मतपत्रों की संख्या यहाँ पर भर देनी है। यहाँ पर मतदान अधिकारी प्रथम का हस्ताक्षर होगा और मतपत्रों के प्रभारी मतदान अधिकारी यहाँ पर यानी द्वितीय का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। नंबर 12, मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण यहाँ पर भरा जाएगा। ये PO1 जो होगा समय समय पर जो रिपोर्ट निकालेगा, यानी फाइनली जो रिपोर्ट महिला और पुरुष की जो काउंटिंग करेगा, जो एक पेपर से आप बना लेंगे, पुरुष आएगा उस नंबर का पुरुष काटते चलेंगे और महिला आएगी उस नंबर का महिला का नंबर कट कर देंगे। तो इस तरह से कितनी महिलाएं हुई, कितनी पुरुष हुए, क्या प्रतिशत रहा, क्या टोटल योग रहा, इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, वहाँ से जुड़िए आपको मिल जाएगी। तो उसके अनुसार यहाँ पर कितने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या, जो आपको मतदाता सूची मिली होगी उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और योग क्या है, वो पहले वाले कॉलम में भर लेंगे। उसके बाद मतदान करने वालों की संख्या, कितने पुरुष ने मतदान किया, कितनी महिलाओं ने और टोटल योग कर लेंगे। उसके बाद पुरुष का मतदान का प्रतिशत क्या रहा, महिला मतदान का प्रतिशत क्या रहा और टोटल मतदान का प्रतिशत क्या रहा, वो यहाँ पर भरेंगे। अगला नंबर 13, आपत्ति किए गए मतपत्र कितने स्वीकृत किए गए, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तब आपको ये भरना है, नहीं तो इन सभी कॉलम में जीरो या निल NIL भर देंगे। कितने स्वीकृत किए गए, कितने अस्वीकृत किए गए और संप्रहंत की गई रकम, यानी जो चैलेंज वोट होता है उसमें 5 रुपये की रकम जो ली जाती है, कितने ऐसे चैलेंज वोट आए हैं, कोशिश ये कीजिए ऐसी परिस्थितियों से बचा जाए। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है तो यहाँ पर आपको विवरण देना होगा। नंबर 14, जिन निर्वाचकों ने साथी की सहायता से मत दिया, जो दृष्टिबाधित या अशक्त जो थे, असहाय, उनके साथ में जो एक साथी नियुक्त किया गया, अगर कोई ऐसा वोट पड़ा है तो कितने ऐसे वोट पड़े हैं उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। नंबर 15, निर्दत्त मतों की संख्या यानी टेंडर वोट कितने पड़े हैं वो यहाँ पर भरेंगे, अगर नहीं है तो जीरो या निल लिख देंगे। उसके बाद नंबर 16, मतदाताओं की संख्या कौन कौन से नंबर का, जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई, यानी जैसा कि अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था आयु के बारे में घोषणा, अगर ऐसा कोई केस बनाया तो लिखिए, नहीं तो जीरो लिख दीजिए। और नंबर का, जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार किया, मतलब आयु के बारे में घोषणा नहीं दी, वो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो जीरो लिख देंगे। नंबर 17, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था और यदि हाँ तो किन कारणों से, कोशिश ये करेगा ऐसी स्थिति ना बन पाए, मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो, तो यहाँ पर निल ही लिखिएगा,
मतदान किसी कारण से स्थगित ना हो पाए, कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति बनती है तो एक अलग बात है। नंबर 18, प्रत्येक 2 घंटों में हुए मतदान या डाले गए मतों की संख्या। ध्यान रखिएगा, टोटल प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या पहले 2 घंटे में, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें 2 घंटे में। यहाँ पर जो टोटल मतदान आएगा हर 2 घंटे के अंतराल में, उसका जो टोटल मतदान का संख्या है वो ऊपर भरे गए टोटल मतों की संख्या के बराबर ही आनी चाहिए। इतना आप ध्यान रखिएगा, महिला पुरुष का टोटल योग के बराबर ही आनी चाहिए। मुहावरा भरने के बाद नंबर 19, मतदान की समाप्ति के समय जारी की गई पर्चियों की संख्या। अगर कुछ ऐसा हुआ है जैसे इस समय 6 बजे मतदान का समय खत्म हो गया और लंबी लाइन लगी रही, उसके बावजूद भी फिर आपने क्या किया, पीछे से जो मतदाता सबसे पीछे लगा हुआ था, नंबर 1, 2, 3 करके इस तरह से आपने जारी किया और उस पर्ची पर नंबर लिखने के साथ साथ पीछे अधिकारी हस्ताक्षर भी कर देगा, जिससे पता चले उसी ने ये जारी किए। ऐसे कितने कैंडिडेट्स को पर्चियां जारी की गई, अगर ऐसी कोई स्थिति बनी है तो उन पर्चियों की टोटल संख्या यहाँ पर लिखेंगे, अगर नहीं बनी है तो 0 लिख देंगे। नंबर 20, निर्वाचन संबंधी अपराध और उनके विवरण, निम्नलिखित अपराधों की संख्या। अगर ये देख लेंगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी स्थितियाँ अगर आपके मतदान स्थल पर बनी है तो उन्हें भरेंगे, नहीं तो नील लिख देंगे। नंबर 21, क्या मतदान में निम्नलिखित के कारण कोई विघ्न या बाधा कोई उत्पन्न हुई, जैसे बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, अन्य कोई कारण जो कृपया इसका विवरण दीजिए, कोई बनी तो उल्लेख कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नील लिख दीजिए। नंबर 22, क्या मतदान किसी ऐसे मतपेटी में है जो मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई हो और जो पीठासीन अधिकारी की अपेक्षा में से विधि विरुद्धतया निकाल ली गई हो। अगर कोई ऐसी स्थिति हुई है तो यहाँ पर शो करिए, नहीं तो यहाँ पर नील ही लिख दीजिए। 23, उम्मीदवार द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो। 24, विधि और व्यवस्था भंग होने के मामलों की संख्या। 25, यदि मतदान स्थल पर कोई गलतियाँ और अनियमितताएँ हुई हैं तो उनकी रिपोर्ट। 26, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब चिन्हित मतपत्रों के लिए नई मतपेटी रखी जाए और मतदान के अंत में आवश्यक घोषणाएं की जाए, तो ये सारे केस अगर बन रहे हैं तो लिखिए, नहीं तो इन सभी में नील लिख दीजिए, डैश मार दीजिए। और फाइनली यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, स्थान का नाम लिखा जाएगा, वही मतदेय स्थल का क्रमांक नाम लिख दीजिए और दिनांक डाल दीजिए, मतदान की दिनांक। और यहाँ पर लास्ट में लाइन आपको एक जरूर लिखनी होगी पीठासीन अधिकारी को कि मतदान सावधानी और शांतपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, इस तरह से वो हस्ताक्षर कर देगा।